Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मैं अभी करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाइन्थ क्लास का मीटर हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फोर जो है वो हमने स्टार्ट किया है डेटा एंड प्राइवेसी। इसके अंदर हम जो है वो साइफर मेथड्स जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर आज जो है वो हम विजिनर साइफर जो है वो मेथड हम जो है वो स्टडी करेंगे। विजिनर साइफर ये एक और हमारे पास जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन करते क्या है हम, जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है उसमें हम सब्स्टिट्यूशन की मदद से जो है उसे इस अंदाज में चेंज करते हैं कि वो एक करप्टेड फॉर्म के अंदर चला जाता है, कि जिसे फिर आम पर्सन जो है वो रीड नहीं कर सकता, जिसे वो ये इस मेथड का जो है वो इलम होगा वही उस को प्रॉपर जो है वो फिर रीड कर सकता है। इसके अंदर होता क्या है, किस तरीके से ये विजनर साइफर जो है किस तरीके से ये काम करता है कि इसके अंदर एक टेबल जो है वो बनाया जाता है, जो अल्फाबेट्स है हमारे पास ए टू सी उनकी मदद से एक टेबल बनाया जाता है। किस तरीके से, जैसे ये ए बी सी डी ई अप टू जी, इस तरीके से इसी तरीके से ये हमने कॉलम वाइज इसको जो है लिखा है, ए कॉलम है बी सी डी इस तरीके से। अब इसके नीचे भी आपने इसकी फिलिंग करनी है, ए के बाद बी आ जाएगा हमारे पास सी डी ई एफ अप टू जी, हमने इसे जो है वो कंप्लीट करना है। ये जो है वो कॉलम्स है जिसे आप ए का नाम दे देंगे बी सी डी, और इसी तरीके से ये रोज है आपके पास, ये ए बी सी इधर को रोज है और इधर को आपके कॉलम्स है ये। अब इनको इस टेबल को हमने जब फिल करना है तो यहां पर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सी डी, इस तरीके से जो है वो हमारा चलता जाएगा। अब ये हमने सेकेंड रो जो है वो बी से स्टार्ट की है, मीन इसका सी यहां पर आ जाएगा, लास्ट वन एक जो है डी आ जाएगा, फिर आप इसको रिपीट करेंगे तो ये ए आ जाएगा। इसी तरीके से ये सी से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, यहां पर डी ई एफ इस तरीके से। अब यहां पर इसका जी कुछ समथिंग इधर आ जाएगा। अब यहां पर हमने सी से स्टार्ट किया तो इधर अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए और बी, मींस कि जितने इधर मिसिंग हो गए वो लास्ट पर जो है वो ट्रांसफर होते चले जाएंगे, कि इस तरीके से आप इस कॉलम को जो है वो फिल करते चले जाएंगे। अगर इधर गौर करें तो ये इस तरीके से जी आपका चलता आ रहा होगा, इस तरीके से एक्स क्यू इस तरीके से आपके जो है वो चलते आ रहे हैं। ये आपकी बुक पर जो है टेबल जो है वो मौजूद है, आप इसको जो है वो विजिट कर सकते हैं। ये इसके अंदर जो है वो कॉलम्स हमें जो है वो दिखाए गए हैं, ये ए बी सी डी और इधर ए बी सी डी के लिहाज से जो है रोज हमें जो है वो दिखाई जा रही है। जब आपने कॉलम जो है वो ड्रा कर लेना तो उसके बाद जो है वो हम अपने मेथड पर जो है वो मूव करते हैं, इस मेथड को किस तरीके से फिर हमने जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पर वो हमें एक वर्ड दे रहा है पाकिस्तान, इसे हमें इंक्रप्टेड फॉर्म के अंदर लेकर जाना है। पाकिस्तान एक वर्ड है हमारे पास जिसे हमें इंटरप्रेट फॉर्म के अंदर जो है वो चेंज करना है, किसकी मेथड से, विजिनर मेथड की मदद से। और इसकी जो सब्स्टिट्यूशन की हमें जो दी जा रही है वो सब्स्टिट्यूशन की जो है वो जिंदाबाद, जिंदाबाद ये भी एट्रैक्टर्स है,
ये भी एट्रैक्टर्स है। अब हमें करना क्या है कि जिस वर्ड को आपने चेंज करना है उसके फर्स्ट करेक्टर को ले लेना, फर्स्ट अल्फाबेट को ले लेना। पी है, आप यहां पर आते हैं, एक्सपोज कर लेते हैं, यहां पर आपके पास कहीं पी है, पी कॉलम के अंदर आप आ जाए, पी कॉलम, ये आपका पी कॉलम आपने जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब पी कॉलम आपने सेलेक्ट कर लिया किसका, जिस वर्ड को आपने चेंज करना था। उसके बाद आप उसकी जो आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन की दी गई है उधर मूव करते हैं, उधर आपके पास जी है पी कॉलम, और इधर आप रो में जाएंगे, जी रो के अंदर जाएंगे, इसको जहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर पी कॉलम और जी रो आपस में जाकर मिलेंगे, वहां पर देखना है हमें कौन सा कैरेक्टर जो है वो मिलता है, वहां पर हमें जो है वो ओ कैरेक्टर हमें मिलता है। अगर आप इस कॉलम को देखते हैं जो कि हमारी बुक पर अवेलेबल है कंप्लीट कॉलम, इस पर देखते हैं तो यहां पर हमें जो है वो ओ जो है वो नजर आ रहा है, ओ हमने वहां पर मेंशन कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टर पर मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वर्ड के अंदर जो है वो ए है, ये ए, और जो सब्स्टिट्यूशन की है उसके अंदर हमें जो है वो आई यहां पर जो है वो गिवन है। अब ए कॉलम के अंदर आप मूव करेंगे, ए कॉलम के अंदर मूव किया और रो कौन सी होगी, आई, ये आई, तो यही जो है वो यहां सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है वो आई आ जाएगा, उसके बाद के है आपके पास, यहां पर सपोज करते हैं के है आपके पास। अब सब्स्टिट्यूशन की के अंदर जो है वो एन है, आपने यहां से जो रो सेलेक्ट कर ली है वो एन वाली कर ली है। अब जहां पर जो है वो के और एन आपस में मिलेंगे वो करेक्टर आपने यहां से जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये अगर आप देखें यहां पर ये के और एन, यहां पर हमें जो है वो एक्स करेक्टर जो है वो मिल रहा है एक्स। इस तरीके से नेक्स्ट जो है वो आप आई के कॉलम में चले जाएंगे, आई के कॉलम के लिए आप डी रो को जो है वो विजिट करेंगे, इसी तरीके से एस के कॉलम में चले जाएंगे, ए को विजिट करेंगे, फिर आप जो है वो टी के कॉलम में चले जाएंगे बी को, और ए के कॉलम में जो है वो ए को, ए ही यहां से आ जाएगा, और एन के कॉलम में आप जो है वो आप विजिट करेंगे डी को, तो वो जो हम आपस में मिलेंगे वो वाले कैरेक्टर जो है वो हम राइट आउट करते जाएंगे। तो ये नेक्स्ट हमारे पास आएगा एन आएगा, एस आएगा, यू आएगा और क्यू आएगा। इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो इंटरप्टेड वर्ड होगा पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान को आपने जो है वो चेंज कर दिया विद द हेल्प ऑफ बिगिनर साइफर मेथड। अब जिसको ये टेक्निक आती है वो ही इसको रीड कर सकेगा, अदरवाइज आम पर्सन जो है वो इसको रीड नहीं कर सकेगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का जो है टॉपिक था। इसके अंदर एक और बात, अगर ये सपोज करते हैं इसके अंदर जो है कम करेक्टर्स दिए गए हैं तो आप इसके अंदर भी वही मेथड अडॉप्ट करेंगे कि ये जैसे ही खत्म हो जाएंगे करेक्टर दोबारा से फर्स्ट वन से आप स्टार्ट कर देंगे, रिपीट इसको जो है वो शुरू कर देंगे। इस तरीके से ये टेक्निक इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो अपने वर्ड्स को जो है वो सब्स्टिट्यूशन कीज की मदद से, सब्स्टिट्यूशन की जो है वो इसलिए नेसेसरी है, अगर सब्स्टिट्यूशन की जो है वो मेंशन नहीं है तो हम इसको कभी भी जो है प्रेफरेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स इसको देखें, इसको करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें इसकी, अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं, आप इसके लिए क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप पर जो है वो सेंड कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जो है वो कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।